सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। नालंदा में एक तरफा प्यार में बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जहां एक सिरफिरे युवक ने महज 4 दिन पहले शादी हुई नवविवाहिता को गोली मारकर हत्या कर दी। सबसे बड़ी बात यह रही कि नवविवाहिता को गोली मारने के बाद सिरफिरे युवक ने खुद को भी गोली मार लिया। घटना नालंदा जिले के भागन बिघा ओपी थाना क्षेत्र अंतर्गत तूफानगंज गांव के समीप घटी। इस घटना में युवती की घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए पटना PMCH रेफर किया गया और रास्ते में ही उसकी भी मौत हो गई। मृतका नवविवाहिता की पहचान नूरसराय थाना क्षेत्र के केवई गांव निवासी संदीप कुमार की 21 वर्षीय पुत्री शबनम कुमारी उर्फ बिंदु के रूप में की गई है, जबकि मृतक सिरफिरा युवक लहेरी थाना क्षेत्र अंतर्गत वड़ी पहाड़ी निवासी राजपाल पासवान के रूप में की गई है। गौरतलब है कि 26 मई को रहुई के शाहपुर गांव में युवती की शादी हुई थी। शाहपुर गांव निवासी विकास से शादी के बाद युवती 4 दिन बाद अपने मायके आई हुई थी, जिसके बाद आज रविवार को वह अपने देवर के साथ ससुराल जा रहे थे। तभी इसकी भनक युवक को लग गई और रास्ते में ही सिरफिरे युवक ने गाड़ी को ओवरटेक करके रुकवाया, जिसके बाद बोलेरो से खींचकर नवविवाहिता की गोली मार कर हत्या कर दी। उसके बाद खुद को भी गोली मार लिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के करीब सैकड़ों लोग घटनास्थल पर इकट्ठा होकर तरह तरह की चर्चा करने लगे। वहीं घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को लेकर सदर अस्पताल पहुंची, जहां चिकित्सकों ने युवती को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल युवक को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर किया गया और पटना जाने के दौरान रास्ते में ही उस युवक की मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया जाता है कि मृतक युवक जो युवती से एक तरफा प्यार करता था और पिछले 26 मई को लड़की की शादी होने के बाद वह नाराज चल रहा था। इसके बाद आज शादी से महज 4 दिनों के बाद इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल लाई और हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले।